दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जब कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब करने के लिए वो कंप्यूटर सीखते हैं, उनके मन में एक सवाल आता है कि अगर हमारी जॉब शिक्षा विभाग में लग जाती है, किसी स्कूल में लग जाती है या किसी डिपार्टमेंट में लग जाती है शिक्षा विभाग की, तो हमें क्या क्या काम करना होगा और कौन कौन से सॉफ्टवेयर पर काम करने होंगे। तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन चलते रहते हैं उनके दिमाग में जब वो कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब करने के लिए कंप्यूटर सीखते हैं। आज उन्हीं को बताएंगे कि कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब में शिक्षा विभाग में क्या क्या काम करना होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने होते हैं, कौन कौन से साइट्स यूज करनी होती हैं। तो इस तरह का आपका भी प्रश्न है तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो दोस्तों पहला यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको कंप्यूटर लैपटॉप ऑपरेट करना आना चाहिए। ऑपरेट मीन्स आपको कंप्यूटर लैपटॉप पर ठीक से काम करना आना चाहिए, जैसे कि आपको फोल्डर बनाना चाहिए अगर कोई सेटिंग है कंप्यूटर लैपटॉप की, वो करना आने चाहिए। एंड यहाँ पर आप डाटा कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए। ये बेसिकली आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब में आने चाहिए, चाहे आप शिक्षा विभाग में करें या अदर किसी डिपार्टमेंट में करें, है ना। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप विंडो बेस्ट है, आप विंडो को अच्छे तरीके से सीखिए। विंडो यहाँ पर 80% सभी कंप्यूटर लैपटॉप में चलता है, है ना। सेकंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक्सेल। दोस्तों जितने भी ज़्यादातर काम होते हैं शिक्षा विभाग में एक्सेल पे होते हैं, क्योंकि एक्सेल में डाटा एंट्री होती है। डाटा एंट्री समझो स्कूल की पूरी इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, एंड यहाँ पर रोल नंबर बनना, टाइम टेबल बनना, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सेल के अंदर होती हैं। तो एक्सेल को आप अच्छे तरीके से सीखिए। दोस्तों एक्सेल का उपयोग शिक्षा विभाग में नहीं, हर यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में हर सरकारी स्तर पर यूज किया जाता है बढ़ चढ़ कर। ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है और आपको हर सरकारी डिपार्टमेंट के कंप्यूटर लैपटॉप में इंस्टॉल हुआ मिलेगा, और इसका उपयोग बहुत अच्छे स्तर पर होता है। तो आप शिक्षा विभाग ही नहीं, आप कहीं भी जॉब करेंगे तो आपको एक्सेल आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक्सेल का काम जनरली चलता ही रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डाटा एंट्री, रोल नंबर, टाइम टेबल एंड यहाँ पर स्कूल से रिलेटेड कोई और डाटा, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो आपको एक्सेल अच्छे तरीके से आना चाहिए। तीसरा मैं आपको बता दूँ, आपको एमएस वर्ड सीख लेना है। लेकिन दोस्तों एमएस वर्ड नॉर्मली यूज़ होता है जैसे कि हम एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, कोई लेटर है या डॉक्यूमेंट है या कह सकते हैं पेपर बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको एमएस वर्ड आना चाहिए। तो एक्सेल हुआ और यहाँ पर वर्ड हुए, दोनों ही सॉफ्टवेयर काफ़ी पॉपुलर यूज़ होते हैं एजुकेशन विभाग में, है ना। तो आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो इनको डीपली सीख लीजिए, क्योंकि मैंने जॉब की है रिसेंट में, मैंने दोस्तों यहाँ पर 2 साल जॉब की है शिक्षा विभाग में। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग में इन दोनों सॉफ्टवेयर पर मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करना था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और मैंने देखा है हर शिक्षा विभाग में ये दोनों ही ज़्यादा चलते हैं। दोस्तों आप अपने नियर बाई स्कूल में भी पूछोगे या कहीं और जगह पूछोगे या जिसने जॉब की है, वो आपको कंपलसरी एमएस वर्ड एक्सेल दोनों ही बताएगा, दोनों पर ज़्यादा बढ़ चढ़ का काम चलता रहता है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर दोस्तों गूगल क्रोम यानी कि इंटरनेट ब्राउज़र। यहाँ पर इंटरनेट ब्राउज़र आपको अच्छा करना आना चाहिए, ब्राउजिंग आपको अच्छी आना चाहिए, यानी इंटरनेट पर कोई भी साइट ठीक से ओपन करना आना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कुछ कुछ ऐसी साइट होती है जिन पर स्कूल से रिलेटेड काफ़ी काम चलता रहता है, जैसे कि मैंने किया है। मैंने यहाँ पर शिक्षा पोर्टल पर काम किया है, जहाँ पर मैपिंग होती थी, हर स्टूडेंट की ऑनलाइन डिटेल डाली जाती थी, जिससे गवर्नमेंट को पता पड़ जाए कि कितने बच्चे कौन कौन सा स्कूल है, कौन सा संकुल है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करके पहले डाटा फीड किया जाता था और ऑनलाइन निकाल सकते थे। देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए, समेकित छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्रता जाना है, छात्रवृत्ति से रिलेटेड योजनाएं भी सीखे। तो दोस्तों जब तक हम ऑनलाइन डिटेल नहीं डालेंगे तो ये डिटेल मिलेंगी कैसे। तो सारे स्कूलों की डिटेल्स, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सब डिटेल यहाँ आ जाती है, और यहाँ से कोई भी स्कूल पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल निकाल सकता है। तो दोस्तों मैपिंग बोलते थे, यहाँ पर काफ़ी हमने इस पर काम किया है। तो आप किसी भी स्टेट के हैं, एमपी के, यूपी के, तो पर्टिकुलर वहाँ का एक शिक्षा पोर्टल है, वहाँ भी आपको काम करना होगा। तो आपको शिक्षा पोर्टल से रिलेटेड वेबसाइट को आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो इस पर अगर आप काम करेंगे तो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग फंक्शन रहते हैं सभी के, ठीक है। वर्ड एक्सेल से दूर है जी, ये ऑनलाइन है, तो इसकी आपको फॉर्म फिल करना आना चाहिए। एंड यहाँ पर एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई जानकारी चाहिए छात्रवृत्ति से रिलेटेड और स्टूडेंट से रिलेटेड, तो ये भी एक ऐसी वेबसाइट है, तो इनको भी आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट की अलग अलग वेबसाइट होती है, ये विशेष आप ध्यान रखना। तो जो अब करना है आपको शिक्षा विभाग में, तो इन वेबसाइट का भी उपयोग करना आना चाहिए, जैसा कि मैंने किया है। एंड तीसरे नंबर की वेबसाइट है माध्यमिक शिक्षा मंडल, ये एमपी की है।
तो मैंने एमपी से रिलेटेड काम किया, एमपी का मतलब मैं, तो आप किस स्टेट के हैं वहाँ की वेबसाइट को एक बार लिस्ट कर लीजिए और उनको आप देख लीजिए, उनके डोमेन नेम कौन कौन से हैं, और उनको विजिट करके एक बार देख लीजिए कि इन वेबसाइट का काम सच्चे भाग में क्या क्या है। तो दोस्तों ज़्यादातर मैंने इन्हीं वेबसाइटों की यूज़ किया है क्योंकि मैं इन्हीं वेबसाइट पर ज़्यादा काम करता था, है ना। तो दो चार और वेबसाइट हैं वो भी आप देख लीजिए। तो कुछ बेसिक जानकारी थी कि जब भी हम शिक्षा विभाग में जॉब करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर की तो हमें इन चीज़ों को आना चाहिए, है ना। अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो हमसे पूछिए। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।